सर, अभी जो एक निर्णय आया है जो एट्रोसिटी का, उसका क्या तात्पर्य, क्यों सारा बहुजन समाज छटपटा रहा है? देखिए, ये इसमें कमी जो है वो हमारे बहुजन समाज की है, क्योंकि कुकुरमुत्तों की तरह लोगों ने संगठन बना रखे हैं और संसद में गए हुए सांसद वो पार्टियों से, पार्टियों की विहिप पर जुड़े हुए हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं। एक तरफा जो अमेंडमेंट इस दलित समाज ने दिया है, उस दलित समाज के समर्थन को इस सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने दलितों के खिलाफ में ये शुरुआत की है, और इस शुरुआत से दलितों के नुकसान की शुरुआत इन्होंने अब से ही नहीं की, जब से ये सरकार में आए हैं धीरे धीरे करके उस पर ये कुठाराघात करते जा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो दलितों ने सांसद चुनकर भेजे थे वो अपने मुंह पर चुप्पी लगाए हुए बैठे हैं। सर, 543 के करीब हमारे विधायक हैं, MLC हैं, जो अनुसूचित जाति से बाबा साहब के संविधान के तहत जीत कर आते हैं, और 78 या 79 के करीब जो बाबा साहब की बात करते हैं, आज वो जब दलितों पर अत्याचार होते हैं या जो अभी एट्रोसिटी का जो एक्ट आया है, क्या वो बोलने के लिए क्यों तैयार नहीं है? देखिए, एक बार नहीं, कई बार लोकसभा में जब भी किसी पार्टी के सांसद ने वहाँ आवाज़ उठाई है, तभी उसकी गर्दन काट दी गई। क्योंकि गर्दन इसलिए काट दी गई क्योंकि यही समाज, जब हम थोड़ी देर पहले भी इस सभा के अंदर कह रहे थे कि दलित समाज में से जब भी कोई उसका नेता आवाज़ वहाँ पर उठाता है, तो उठाने के बाद जब पार्टी उसको लात मार देती है, तो यही दलित समाज के कुछ चार लोग जाकर के उसकी और बुराई करते हैं, फिर कहते हैं कि जी टिकट हमें दे दो, वो नलायक आदमी था। दूसरा, अंतर उपजाति का जो गणित है इस देश के अंदर, ये इस तरीके से बिखराव आ गया है कि जब से पढ़े लिखे लोग नौकरियों में और सोशल मीडिया में एक्टिव हुए हैं, तब से उपजातियों में ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जब तक कि पत्रकार जी और मैं सभी, ब्रह्म प्रकाश जी, ये क्या है, आपने बताया है कि उनको लात मार दी जाती है, अगर स्वार्थ की बात करें, एक तरफ कभी भी कोई बात होती है तो उस बात को इस तरह करें कि मंच का संचालन है, कहते हैं कि हम परम पूजनीय बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के समूह अर्पित करते हुए, लेकिन उस परम पूज्य ने तो अपना ना तो फैमिली देखी, परिवार देखा, ना घर वाली दवाई के अभाव के कारण मर गई। तो ये जो आज का जो मैटर है, जो एट्रोसिटी का, ये स्वार्थ से है, क्या है? अरे, स्वाभाविक सी बात है, ये तो हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। जब सत्ता से बाहर होते हैं, संसद से बाहर होते हैं, तो जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, दलितों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और बेवकूफ़ बना करके संसद में पहुंच जाते हैं दलितों की आवाज़ उठाने के नाम से। लेकिन आज जब ये बाबा साहब ने जितनी बड़ी कुर्बानी दी है, आप किनसे तुलना कर रहे हैं जो अपनी सांसदी को कुर्बान नहीं कर सकते, जो संसद में अपनी पार्टी में आवाज़ नहीं उठा सकते, उनकी क्या बात करेंगे? अगर यही अगर आवाज़ उठा रहे होते तो आज सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में, ब्रह्मकर जी, आप ही नहीं लगता है कि जैसे सांसद हैं और जो ये इस तरीके की एक नौबत आ गई है, क्या ये जो आम है, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, क्या उनके घर पर, उनके कोठी पर जाके उनसे सवाल जवाब नहीं किया जाएगा? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे देश के जो 30 करोड़ दलित हैं, 30 करोड़ दलितों को अपने क्षेत्र के दलित सांसद ही नहीं, मैं ये कहूँगा कि दलित सांसद से ही नहीं पूछा जाए, जो जिस क्षेत्र से सांसद चुना गया है, उस क्षेत्र का दलित वोटर अपने क्षेत्र के सांसद से पूछे कि हमारे ऊपर जो ये एक्ट बना हुआ था 89 में, उस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुठाराघात हुआ है, अगर आप हमारी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? अगर हमारी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम आपका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, दलित सांसद के ही खिलाफ क्यों? जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, सामान्य वर्ग से भी आते हैं सांसद, जो सामान्य वर्ग से भी आते हैं, उन सांसदों से भी तो सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि वोट तो उनको भी दे रहे हैं ना। लेकिन वो सांसद जो आपने सांसद की बात कर रहे हैं, वो सांसद तो कहते हैं कि मेरे अपने लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है, तो वो उन पर वोट नहीं मान है कि मेरे अपने लोगों ने वोट नहीं दिया और मेरे को वोट दिया है, किसी के कहने पे दिया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जब आई है 325 सीटें लेकर के, क्या बगैर वोट दिए हुआ आ गई है? सर, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ कि सांसद लोगों का कहना है, ये सांसद लोग झूठ बोलते हैं, सत्ता में आने के बाद झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने वोट नहीं दिया है।
दिल्ली में जितने सांसद जीते हैं बिगड़ दलित के जीत जाते क्या? मोदी जी की जय जय करके बिगड़ उसके जीत जाते क्या? आप बताइए, आम आदमी पार्टी ने जब इन्होंने धोखा किया तो आम आदमी पार्टी को इसी दलित समाज ने 67 सीटें विधानसभाएं दे दी, पूरा विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया। वैसे ही अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर देखा जाए कि दलितों ने वोट नहीं दिया तो उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी का एक भी सांसद चुनकर नहीं आया, तो क्या इन्होंने वोट नहीं दिया? झूठ बोलते हैं, बाबा साहब की कसम खाते हैं, बाबा साहब को मान्य मानते हैं, लेकिन संसद में जाने के बाद अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि संसद में दलितों की जिम्मेदारी नहीं है, इस देश में दलितों की जिम्मेदारी गैर दलितों की, सांसदों की भी है और मंत्रियों की भी है, जो इस देश में सामंजस्य बनाना चाहते हैं, जो इस देश में एकता बनाना चाहते हैं। अभी पहले चल रहा था हिंदू मुसलमान का मामला, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान, अब आ गया दलित और वर्सेस सामान्य वर्ग। तो क्या करना चाहते हैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट, क्या करना चाहती है हाई कोर्ट, और क्यों चुप बैठी है सत्ता में बैठी हुई सरकार? सवाल उनसे पैदा होता है।